हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ग्रिड फॉल सीलिंग के बारे में, कि जो ग्रिड वाली मतलब 2x2 फीट की जो ग्रिड वाली फॉल सीलिंग होती है उसमें क्या क्या मटेरियल आप यूज कर सकते हैं और क्या क्या रेंज में आती हैं लगभग। तो इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी बताऊँगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा इसमें। तो सबसे सिंपल सी है कि एक तो पहले आपको ग्रिड वाली फॉल सीलिंग सबसे ज़्यादा कमर्शियल वाले एरियो में यूज होती है और ख़ासकर वहाँ पर जहाँ पर आपके कैसेट एसी ज़्यादा यूज होते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करने की मजबूरी होती है। एक तो 2x2 में आपकी जो एसी कैसेट एसी जैसे ये आपको दिख रही है तो वो भी थोड़ा लुक वाइज अच्छी लगती है देखने में उसकी फिनिशिंग बाहर से, और 2x2 की ग्रिड होने से तो इसके जो वायरिंग कंडक्टिंग होगी, मान लिया आप कोई डक्टिंग वाली एसी यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है बीच में छत और इसकी सीलिंग के बीच में। तो आप इसको कितना भी सस्पेंड कर लें, कितना भी नीचे कर लें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और सिंपल सी है, पहले आपको 2x2 की ग्रिड मारनी पड़ेगी और इस ग्रिड के काफ़ी सारे आजकल ब्रांड हैं, ब्रांड की यूज करना हो ब्रांड की यूज कर सकते हैं, महंगी पड़ेगी लोकल में है, लोकल में आपको सस्ती पड़ेगी। इसमें काफ़ी ऑप्शन है, सस्ता चाहते हो तो सस्ता मिल जाएगा, महंगा चाहते हो तो महंगा मिल जाएगा आपको। आते हैं इसमें जो आपकी 2x2 की टाइल लगती है, टाइल मीन्स मतलब इसलिए मैं टाइल बोल रहा हूँ कि 2x2 की हर चीज़ इसमें आपको फिनिश मिल जाती है और आपको बनी बनाई मतलब काटनी नहीं पड़ती। ऐसा पहले क्या होता था, लोग काटते थे सीट ला के उसको 2x2 के उसमें फ्रेम में काटते थे तो उसको सेट करते थे। आपके आजकल आपको कटी कटाई ही विद अच्छे से फिनिश आपको चीज़ मिलती है, बस उठा के आपको वहाँ पे सेट करना है। तो सबसे पहले आते हैं जिप्सम बोर्ड की। जिप्सम बोर्ड वाले में क्या था, ये बहुत पहले से चल रही है जिप्सम बोर्ड वाली फॉल सीलिंग। इसमें क्या होती है जो 2x2 की टाइल होती है जिप्सम बोर्ड वाली बहुत ही सस्ती पड़ती है, आपको 60-70 रुपये में आसानी से आपको विद इंस्टॉलेशन काम इसका आसानी से हो सकता है। ब्रांडेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है 10-15 रुपये का। अब ये सिंपल लगता है लेकिन ज़्यादातर लोग यही यूज करते हैं, लेकिन अगर कॉमर्शियल में आजकल जो ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो GI वाली, जो आपकी 2x2 की ये आपको दिख रही है सीट, इस सीट का ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये लुक वाइज भी प्रीमियम लगता है और थोड़ा सा इसके जो साइड चैनल भी हो वो भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। थोड़ा सा कॉस्टिंग इसकी थोड़ी काफ़ी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि काफ़ी महंगी मतलब लगभग 100 रुपये के आसपास इसकी जो है कॉस्टिंग हो जाती है। और दिक्कत इसके साथ बस ये है कि इसमें वेस्टेज आपकी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई कॉर्नर जैसे आपको ये देखिए सेव देखिए, बीच में आपको देखिए 2x2 का पूरा यूज हो गया, साइड में कटिंग हो गई, इस साइड में भी कटिंग हो गई, तो इसमें क्या जो वेस्टेज होती है वेस्टेज जल्दी यूज हो नहीं पाती है। और सब में क्या है, वेस्टेज हो भी जाएगी तो इतना खलेगा नहीं क्योंकि ये महंगी सीट आती है, 2x2 का है। आप नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल में शायद आपको मिल जाए या ना मिले मुझे पता नहीं लोकल में, लेकिन ब्रांडेड ही आपको अच्छे खासी कंपनी की मिलेंगी और वो काफ़ी महंगी पड़ती है, और क्योंकि भाई एक तो कंपनी का है, फिर उसके बाद पॉलिश होती है, इसके ऊपर पाउडर पॉलिशिंग होती है, GI का चीज़ होती है, एक तो मेटालिक फिनिश में है, मेटालिक मतलब उसके बाद पॉलिश हुई है, कोटेड पॉलिश हुई है, पाउडर कोटिंग हुई है, तो थोड़ा सा खर्चा इसमें कुछ ज़्यादा हो जाता है लेकिन फिनिश उसकी अच्छी देखने में लगती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। थर्ड में क्या होता है, जैसे कि आपको ये देख रहे हैं कुछ प्लास्टिक में भी आजकल आती हैं 2x2 की टाइल, हल्के से प्लास्टिक मतलब फॉर्म टाइप में आती हैं, एग्जैक्ट मुझे भी नाम नहीं पता लेकिन मैंने देखा है इसको, हल्का सा प्लास्टिक मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं मुझे भी नाम इतना ध्यान नहीं आ रहा है। और फोर्थ पे आता है POP, आपको 2x2 में POP की भी आपको टाइल मिल जाएंगी, आपको जैसी शेप चाहिए जैसी डिजाइनिंग चाहिए आपको वैसे डिजाइनिंग आपको देखेंगे कैटलॉग में जो पसंद हो आपको वो POP वाली मतलब जो कंपनी होगी आपकी वो बना के 2x2 में आपको साइज़ देगी एग्जैक्ट साइज़ का, वो बस आपको उठा के रखना है वहाँ पे। तो चार वेरिएंट है, चार वेरिएंट में आपको जो भी पसंद आए, चाहे आपको जिप्सम बोर्ड का या फिर आपको ये GI का या फिर आपको जो प्लास्टिक वाली होती है, इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है क्या रेट है मुझे नहीं आइडिया, और ये थर्ड आपकी जो POP वाली है इसको आपको 70-80 रुपये आसानी से इंस्टॉल करके आपको फिनिश मिल सकती है। बस GI वाला थोड़ा सा है, ये मुझे देखने में अच्छा लगता है और सब मुझे इतना पसंद नहीं है जो भी आपको सीलिंग में दिखाई है, लेकिन GI वाली थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी लगती है और बस ये इसमें विश ज़्यादा होती है। खैर अभी इतना कम पे आपको करना पड़ेगा, जो क्वालिटी आप ले रहे हो वो क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है पसंद आ रही है तो उतना वेस्टेज आपको सहना पड़ेगा और ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है और तीनों से अच्छा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।